नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक स्पेशलिटी होती है, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिस्टर में देखा, ट्रांजिस्टर के सर्किट में एक तरफ इनपुट होता है और एक तरफ आउटपुट होता है। जब हम इनपुट करते हैं तो आउटपुट होता ही है, हम उसको बंद नहीं कर सकते। उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े हैं, कटिंग के बाद जाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा। लेकिन ये लॉजिक गेट्स इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसमें हम ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, रेसिस्टर, सेल, इन सब को यूज करके एक सर्किट बनाते हैं। लेकिन उस सर्किट में अगर हम एक तरफ से सिग्नल देंगे तो दूसरी तरफ जो सिग्नल हमको मिलेगा वो सिग्नल कैसा मिलेगा वो हमेशा एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग तरीके का सिग्नल होगा। देखिए, पहले अभी तक हम बड़ी सिंपल चीज पढ़ रहे थे, इनपुट दो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में वो सर्किट सोचेगा। यानी उस सर्किट में एक इंटेलिजेंस आ गया, सोचने का बुद्धि आ गया। वो उसको कौन देता है इंटेलिजेंस? तो आंसर हम देते हैं, इंटेलिजेंस हम देते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन उस तरह से करते हैं कि वो वैसा ही सोचेगा, ठीक है, उसमें वैसे ही संस्कार डालते हैं, वो उस तरह से सोचना शुरू करता है। ओके, तो ये बन, चूंकि हमने उसको इंटेलिजेंस दिया, उसको एक तर्क करने की, एक लॉजिक की इंटेलिजेंस दिया, सो दैट इज नोन एज लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में क्या होता है कि दो तरह के सिग्नल हम उसको देते हैं या एक तरह के सिग्नल देते हैं इनपुट में, और आउटपुट में वो जो सिग्नल निकालेगा वो हमारी इच्छा से निकालेगा। हमने उसको जैसा प्रोग्राम दिया कि इनपुट में अगर ऐसा आएगा तो ए लिखना और इनपुट में अगर ऐसा आएगा तो बी लिखना, तो ये एक इंटेलिजेंस है, उसको मिल गया वैसा करता है। तो इसको इंटेलिजेंस देने के तरीके क्या होते हैं, कितनी तरह का इंटेलिजेंस हम इसको देते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। हम जो इसको देते हैं दैट इज नोन एज आर्गुमेंट। वो आर्गुमेंट को हम एक टेबल बनाकर देते हैं, वो टेबल ही इसके लिए गीता पुराण बन जाता है। बस उस टेबल को वो पढ़ता है कि अगर ये इनपुट है तो ये करना है, ये इनपुट है तो ये करना है, उसके वो देखता है और कर देता है। इसलिए उस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल फॉर ए गिवन लॉजिक गेट, फॉर ए गिवन सर्किट। तो ट्रुथ टेबल में हम क्या लिखा करते हैं कि अगर हम ऐसा, अगर ऐसा ऐसा इनपुट होगा तो ऐसा ऐसा आउटपुट देंगे, ये उसमें होता है। ओके, तो ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं, इसमें लॉजिक गेट में इधर हम एक आउटपुट लेते हैं आउटपुट, और यहां से इनपुट देने के लिए एक टर्मिनल या दो टर्मिनल रखते हैं, एक भी रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन दो का भी रख सकते हैं। तो यहां से जो हम इनपुट देते हैं इसका हम नाम रखते हैं ए बी, द वैल्यूज आर गिवन टू ए एंड बी, और यहां पर जो हमको आउटपुट मिलता है इसको हम कहते हैं वन। अच्छा, ये इनपुट और आउटपुट किस चीज के होते हैं, किस चीज के बने होते हैं? तो आंसर है ये वोल्टेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वोल्टेज। तो वोल्टेज का वेरिएशन हम क्या कहते हैं? सिग्नल। वोल्टेज के वेरिएशन को क्या कहेंगे? सिग्नल। जैसे आपके सामने एक टॉर्च है और नहीं जल रही है, बल्ब है, बल्ब, अचानक बल्ब ऐसे जला और फिर बंद हो गया, जला बंद हो गया। तो आपको हमने बताया हुआ है कि जब बल्ब एक बार जलेगा बंद हो जाएगा, फिर नहीं जला तो लाल झंडे को ऐसा उठा देना, फिर अगर ऐसा दो बार जला तो लाल मत उठाना, हरा झंडा उठा देना। तो आपका सिग्नल क्या है? लाइट। सिग्नल क्या है? लाइट। तो ये सिग्नल का बोर्ड है, उसको देखकर आपको इंटेलिजेंस आता है और आप एक काम करते हो। वो जो काम करते हो क्या है? आउटपुट।
ठीक है। तो इस तरह से एक तरफ से सिग्नल आएगा और एक तरफ उसका आउटपुट होगा। यहां पर हम जो सिग्नल देंगे वो वेरिएशन इन वोल्टेज है और जो आउटपुट मिलेगा वो भी वेरिएशन इन वोल्टेज। जैसे इधर हमने दो तार लगाया, इसकी वोल्टेज अचानक आ गई 5 वोल्ट, फिर बंद हो गई, वो क्या समझ गया, एक सिग्नल आया ऐसे टिक, दूसरे में भी आया। तो हम लोग सिग्नल के लिए फिक्स करते हैं, सिग्नल हमारे दो तरह के हो सकते हैं, ये अभी हम कम्युनिकेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे। एक हमारे सिग्नल होते हैं जिसमें वोल्टेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे होता है, ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है ये, और ये कहलाते हैं एनालॉग सिग्नल। कंटिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा, यहां से हमने ऐसी टाइम बना ली, ये बराबर बराबर तक कुछ टाइम तक वोल्टेज ये एक जैसी ही रहेगी, फिर अगर हमको सिग्नल देना है तो पूरी वोल्टेज एक जैसी रहेगी, नहीं देना है तो जीरो रहेगी, फिर देना है तो ये सिग्नल रहेगा, फिर नहीं देना है तो ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, फिर देना है तो ऐसा रहेगा। इसमें हमारी ये वोल्टेज थी, इस टाइम पर ये वोल्टेज थी, इस टाइम पर ये वोल्टेज थी, तो वोल्टेज वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। हियर वोल्टेज इज ऑल्सो चेंजिंग बट देयर आर ओनली टू वैल्यूज, देयर आर ओनली टू वैल्यूज, आइदर फुल वोल्टेज और नो वोल्टेज। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, दीज आर नोन एज डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल और एनालॉग, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिजिटल सिग्नल्स बहुत क्लियर होते हैं। देखो अगर मैंने आपको बोला कि भैया टॉर्च जलेगी तो झंडा उठाना और टॉर्च बंद होगी तो झंडा नीचे कर देना, ठीक है। अब आपने देखा टॉर्च में बहुत थोड़ी सी डिम लाइट दिख रही है तो आपको समझ नहीं आया झंडा उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तो कंफ्यूजन हो गया। लेकिन अगर टॉर्च या तो जलती है या बंद होती है तो आप बहुत क्लियर रहोगे। तो क्लियर सिग्नल कौन सा है, जो या तो जले या बंद रहे, या तो फुल आए या बंद आए, आधा आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि काम करना है कि नहीं करना है, वो किसमें होता है एनालॉग। इसमें क्या होगा, या तो वोल्टेज आएगी या नहीं आएगी। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये भी क्या चीज है, वोल्टेज टाइम, या तो इतनी वोल्टेज रहेगी या इतनी वोल्टेज रहेगी, ये वोल्टेज कितनी होती है। तो ये एक हाई वोल्टेज होती है, हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, दिस इज फ्रॉम 4.5 to 5 volt, इतनी वोल्टेज होती है। ये वाली जो वोल्टेज है ये, दिस इज लो वोल्टेज, दिस इज 0.5 अप्रोक्सीमेटली, और ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 4.5, यानी ये 5 के आसपास और ये 0 के आसपास, ये दोनों लो वोल्टेज और हाई। लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं लिखते, हम इसका लेवल लिखते हैं, इसका लेवल है 0 लेवल और इसका लेवल है 1। तो जब ये आया तो हमने कहा सिग्नल आया, कितना सिग्नल आया 1, तो ये सिग्नल यहां पर कितना है 1, यहां कितना है 0, यहां कितना है 1, यहां कितना है 0। अब हमने टाइम को बांट दिया, ये टाइम को बांट दिया, तो इस टाइम तक वोल्टेज कितनी है हाई, इतने टाइम तक वोल्टेज कितनी है हाई, तो इसको हमने लिखा 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1, बराबर बराबर टाइम पीरियड को बांटा तो सिग्नल क्या बना 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1। अब हम इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अपने कोड बना देते हैं कि जब ये कोड आएगा तो स्क्रीन पर एक लिख देना, एक लिख जाता। एक दूसरा कोड हमने बनाया हुआ है ऐसा, वो बी का है तो वो बी लिख देता। इस तरह से ये कोड में
डिजिटल सिग्नल्स चाहते हैं। ओके, तो ये कंप्यूटर इससे चलता है, ये कंप्यूटर का डाटा है और इसको हम कहते हैं बिट, ये एक एक बाइट है। ओके, इसके फिर आगे जाके आगे हम लोग बनाते हैं मेगाबाइट गीगाबाइट ये सब। अच्छा, तो ये सिग्नल्स हैं, तो इसके सिग्नल कैसे हैं डिजिटल। तो लॉजिक गेट्स में हम जो सिग्नल यूज करेंगे वो वाले डिजिटल सिग्नल यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि लॉजिक गेट्स में कौन से सिग्नल यूज करने हैं डिजिटल। व्हाई डू वी यूज डिजिटल, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर और उनको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता हमारे कंप्यूटर को कि वोल्टेज है या नहीं है। क्लियर कट, या तो है या नहीं है, इट इज आइदर यस और नो, इट इज ब्राइट और डार्क, इट इज वन और जीरो, ठीक है, कंट्रास्ट उसका क्लियर होता है। सो दीज आर डिजिटल सिग्नल। ये जो हमने बनाई है दिस इज नोन एज डिजिटल वेव, डिजिटल वेव, इसी को हम क्या कहते हैं बॉक्स वेव, ठीक। तो अब एक चीज हमको बेसिक आनी चाहिए कि अगर हमको ये ऐसा दिया हुआ है 011001, ये वेव को ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम क्या करेंगे 011, हम अपने से टाइमिंग फिक्स कर लेंगे कि एक टाइम का मतलब इतनी मिनट, इतनी मिनट या इतनी मिनट, वो हमारी इच्छा है। तो हमने इसको बनाया एक यूनिट टाइम का, पहले यूनिट तक वोल्टेज कितनी है जीरो, अगले यूनिट में वन, अगले यूनिट में फिर से वन, अगले यूनिट में जीरो, अगले यूनिट में वन, फिर जीरो, फिर वन, इनको मिलाने के लिए कंटिन्यूएशन के लिए हम ये वर्टिकल लाइन लगाते हैं, अदरवाइज वर्टिकल का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग किसका है लो हाई। तो अच्छा, अब अगर हम आपको एक वेव देते हैं, दैट वेव इज लाइक दिस, ओके, इसको लिखो 100, 1100, तो नंबर से वेव बनाना और वेव से नंबर बनाना, ये दोनों आपको आने चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम अगली चीज लेते हैं, ये जो ए और बी, ये दो इनपुट है और ये एक आउटपुट है, हम क्या करते हैं यहां पर एक डिजिटल वेव देते हैं, ये सिग्नल हम यहां देते हैं और यहां पर हमको एक सिग्नल मिलता है। तो यहां पर हमने सिग्नल ऐसा दिया और यहां पर हमको सिग्नल ऐसा, दूसरे टाइप का थोड़ा सा बदल, ये ऐसा क्यों हो गया हमने इसको बोला था। तो ये किसके अनुसार काम कर रहा है, हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार, और हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो जिस टेबल में लिखा है उसको क्या बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ये पढ़ता है उस टेबल में क्या लिखा है कि वोल्टेज जब वन आएगी तो उसको जीरो बना देना, ये जीरो बना देता है, वोल्टेज जब जीरो आएगी तो उसको वन बना देना, ये वन बना देता है, जब वोल्टेज वन वन आए तो फिर से जीरो जीरो बना देता है, और जब जीरो आती है तो फिर उसको वन बना देता है, इस तरह से आउटपुट निकाल देता है। तो उसने क्या किया, हमारे इंस्ट्रक्शन का, हमारे ट्रुथ टेबल को फॉलो किया, दिस इज लॉजिक गेट। तो हम उनको कितनी तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं ये हमने स्टडी करना है। तो लॉजिक गेट का फंडामेंटल समझ में आया है कि इसको गेट बोलते क्यों है, गेट इसलिए कि वो जाने देगा या नहीं जाने देगा, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को चेक करेगा एज पर ट्रुथ टेबल कि इसको जाने देना है या नहीं जाने देना, तब वो सिग्नल को आगे बढ़ाता है। अब लॉजिक गेट कैसे बनते हैं ये अभी हमको नहीं स्टडी करना है, ये अभी आपने सिलेबस से हटा दिया है कि किस तरह से आपस में जोड़ के ट्रांजिस्टर कैपेसिटर डायोड्स इन सबको जोड़ के बनाए जाते हैं, दैट वी आर नॉट स्टडी, we are only studying its intelligence part, okay, argument part। तो logic gates में अलग अलग type के gates रहते हैं और वो किस तरह से behavior करते हैं उसके basis के लिए हम fundamental तीन तरह के gate पर काम करते हैं। Fundamentally तीन तरह के gate होते हैं,
बेसिक। पहला है दिस इज ऑर्गन। तो पहले आप उसका नाम लिखेंगे ऑर्गन, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, ये इसका ये तीसरा इसका आर्गुमेंट लिखेंगे, इसका आर्गुमेंट है Y has a signal if either A or B has signal। ये यहां से हमने उठाया। इसका क्या मतलब है? A और B दो लोग आते हैं, अगर किसी एक के पास भी सिग्नल है तो आउटपुट देना। जैसे हम ट्रेन में बैठने के लिए दो लोग जाते हैं, हमारी कंबाइंड टिकट है, हम ट्रेन में बैठते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टिकट है, हम टीटी को बोलते हैं कि हमको जाने दो, तो वो क्या बोलता है? अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाइए। हमने लाइसेंस दिखाया तो कौन लाइसेंस दिखाएगा? उसका कहना है कोई भी एक दिखा दो, आइदर एयरपोर्ट में ट्रेन में, तो हम क्या दिखाते हैं? आइदर ए और बी हैज एन आइडेंटिफिकेशन, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? आउटपुट, यस, आउटपुट इज गो, आउटपुट इज यस। सो इफ आइदर ए हैज ए सिग्नल और बी हैज ए सिग्नल, देन वाई हैज ए सिग्नल। यही फॉर्मूला लेके हम सिनेमा हॉल चले गए। वहां पे हमने बोला एक के पास टिकट है, दोनों को जाने दो। जाने देगा क्या? नहीं। वो आर्गुमेंट क्या देगा? ए शुड हैव ए सिग्नल एंड बी शुड हैव ए सिग्नल, देन देयर विल बी आउटपुट, तब वो जाने देगा। तो वो कौन सा गेट यूज कर रहा है? एंड गेट। एंड में क्या होगा? ए एंड बी बोथ शुड हैव द वोल्टेज, देन वाई विल हैव ए वोल्टेज, अदरवाइज नो। इसमें क्या होता है? Either A or B, anyone has a voltage, then Y will have a voltage. Okay, अगर हम इसका logic, इसको logic इसको देते हैं, तो हम इसको truth table कैसे लिख के देते हैं? तो truth table लिखने का हमारा तरीका होता है truth table। Truth table में पहले हम input का chart बनाते हैं, फिर आउटपुट, आउटपुट और इनपुट। इनपुट में हमारे पास दो टर्मिनल हैं, ए और बी, और आउटपुट में एक टर्मिनल है वाई। तो ये हमारा बेसिक चार्ट बनता है। इसमें हम पहले ए को कितने, ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो जब हम ए को जीरो रखते हैं तो बी को हम जीरो भी रख सकते हैं और वन भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ए को वन रखते हैं तो फिर बी को जीरो रख सकते हैं और इसको वन रख सकते हैं। तो चार तरह के कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। ये जीरो के साथ जीरो वन, वन के साथ जीरो वन, इस तरह से ये चार कॉम्बिनेशन। और यही सीरियल आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? जीरो ए का वैल्यू ऐसा 0011 और ये 010। अब हम उसको क्या बोलते हैं कि अगर ए और बी दोनों जीरो होंगे तो बाहर बता दे देना, किसी को अलाउ नहीं करना है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो। इसमें एक के पास वन है आउटपुट, एक के पास वन है आउटपुट, दोनों के पास वन है और अच्छी बात है, लेकिन आउटपुट क्या है? वन। आउटपुट तो वही होगा, ठीक है? तो ये इंस्ट्रक्शन इसको दिए तो ये क्या बन गया? ट्रुथ टेबल, ठीक है? दिस इज ट्रुथ टेबल। उसके बाद चौथी नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, पांचवा। हमने इसको ए पर एक वेव दी,
ए पर जो हमने वेव दी उसको हमने लिखा और वो वेव हम लिखते हैं ए वाली वेव। देखिए 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0। बी पर हमने इसको वेव दी ए पर, बी पर हमने इसको सिग्नल भेजा, बी वाला तो सिग्नल है दैट इज 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1। ये सिग्नल बी पर दिया। तो आपको ये बताना है कि वाई पर सिग्नल क्या होगा और बीच में गेज कौन सा लगाया है और बी। तो हम ए और बी को कंपेयर करते हैं, जैसे 0 0 ए बी 0 0। रिजल्ट इसके अनुसार देखेंगे, इसका इंटेलिजेंस ये है, इसका आर्गुमेंट ये है। तो 0 0 हमको क्या देता है, 0 1 0 क्या देगा। हाँ, हमको याद है एक अगर 1 होगा तो आउटपुट होगा, सिर्फ आउटपुट 0 कब होगा, जब दोनों 0 होंगे, जो कि एक बार यहां पर आते हैं और एक बार यहां पर आते हैं। बाकी इसमें 1 1 1 0 1 ये आ गया आउटपुट 1। अब देखिए इसका ग्राफिकल वेव बनाते हैं, ये 0 1 1 0 0 1 0, ये वाली 0 0 1 1, ये यहां से बिल्कुल बराबर रखिएगा इसको ऐसे। ये क्या है 0 1 1 0 0 1 0, पहली वाली, दूसरी 0 0 0 0, उसके बाद 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ये आएगी 0 0 1। ये दूसरी वेव, ये दोनों का ग्राफ बन गया। अब ये इसका रिजल्टेंट हमने निकाला 0 1 1, पहले 0 फिर 1 1 1 फिर 0 0 और उसके बाद दो बार 1, ये 1 1। तो ए और बी दो वेव हमने दी, तीसरी कौन सी वेव निकली जिसमें से वाई, ये आउटपुट वेव है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ये आपका एक वेव एक गेट की स्टडी कंप्लीट। तो एक गेट की स्टडी में आपको 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 फीचर आपको स्टडी करने हर गेट, ठीक है। तो दिस इज 0 1 एंड 1 0।
ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, ये इसका आर्गुमेंट, ये इसका ट्रुथ टेबल। इसको हमने एक वेट दी 1 0 1 0 1 1 0, तो इसका आउटपुट ये हमको क्या देगा? नॉट गेट, नॉट गेट से 1 के बदले में हमको 1 का आउटपुट क्या मिलेगा? 0, 0 का आउटपुट 1, 1 का आउटपुट 0, 0 का आउटपुट 1, 0, 0 एंड 1। तो ये वाली का अगर हम वेव डायग्राम बनाएंगे तो ये वेव डायग्राम बनेगा 1, 0 लेवल, उसके बाद लेवल 1, ये लेवल 1, उसके बाद लेवल 0, लेवल 0, उसके बाद 2 1 1 1 1, उसके बाद 0। ये हमारी इनपुट वेव है इनपुट, तो नॉट गेट में जाने से ये आउटपुट वेव आएगी और ये आउटपुट वेव 1 0 0, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी 1 0 0। सॉरी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इनपुट 0 से, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। ओह, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये इसकी आउटपुट वेव आ गई। समझ आ गया किस तरह से बनी? तो ये इनपुट आउटपुट आर्गुमेंट ट्रुथ टेबल और ये स्टेट का सिंबल, तो ये होता है नॉट गेट। अब दो गेट हमारे हो गए, और गेट और नॉट गेट, उसके बाद हम अगला देखते हैं, दैट इज एंड गेट। तो एंड गेट देखिए, एंड गेट का आर्गुमेंट होता है इफ ए एंड बी बोथ हैव सिग्नल देन गिव आउटपुट। तो अगर हमको ए और बी दोनों मिलेंगे तब ये आउटपुट हमको देगा, और इसको हम बनाते इस तरह से है, ये दो इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल, ये एंड गेट है। और गेट से ये अलग है, और गेट की ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन फ्लेक्सिबल ऐसे होगी और ये इस तरह से होगा। ये कौन है? ऑफ। और ये कौन सा है? एंड। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, ऐसा रहेगा, ठीक है? ए बी वाई और ये ए बी वाई। तो अभी हम एंड गेट पढ़ रहे, ये एंड गेट का आर्गुमेंट है, इसका ट्रुथ टेबल देखिए। ये हमारे कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1। इस कॉम्बिनेशन से हमको आउटपुट क्या मिलेगा? तो आउटपुट में हमने आर्गुमेंट क्या दिया कि दोनों अगर यस होंगे तो यस बोलना, नहीं तो नो। इसमें दोनों यस कहाँ है? सिर्फ ये पोजीशन है जहां पर दोनों 1 1 है। अगर ये दोनों ए और बी 1 है तो ये आउटपुट देगा, और अगर कोई ए 0 हो गया तो ये आउटपुट नहीं देगा।
तो इसका आउटपुट क्या है 0001। तो ये एंड गेट हो गया। अब एंड गेट में अगर हम इसको सिग्नल देते हैं और उस सिग्नल को जैसे कि कल हमने बनाया था 0110 0110 0110 0010 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
बुद्धि और बी की जो वेव है दैट इज 001100 001100 ये बी का सिग्नल है। अगर ये दोनों हमने ए और बी पर दिए तो हमको वाई पर क्या मिलेगा, कौन सा गेट से पार करवा रहा है, एंड गेट, एंड गेट से जब ये जाएगा तो पार होके हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, वाई। तो इसमें हम देखते हैं दोनों वन वन है तो वन है, अदरवाइज सब जगह जीरो है, तो यहां पर हमको मिलता है वन वन, इसलिए यहां पर क्या मिलेगा वन। इसमें एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें भी एक जीरो है और इसमें भी एक जीरो है। तो ये हमको मिला 001000। ये एंड गेट पे जाने से इस तरह से मिलता है। ये तीन बेसिक गेट हैं, उसके बाद हम लेते हैं कॉम्बिनेशन गेट। दो कॉम्बिनेशन गेट जो पॉपुलर गेट हैं, दो आर नॉर गेट एंड नैंड गेट। अब अगला देखिए, नॉर गेट एक कॉम्बिनेशन गेट है, इसमें दो गेट का कॉम्बिनेशन है। इसके नाम से पता लगता है नॉर गेट का मतलब है नॉर आफ्टर ऑफ, सो दिस हैज बिकम नॉर। Not after or मतलब पहले कौन आएगा, or gate। तो इसमें हम पहले or gate लेते हैं, ये हमने एक or gate बनाया और इसके बाद यहां से जो दिया एक not gate को, ये not gate को जो इस तरह से ये बना ए बी और ये वाई, ये or gate और इन दोनों को कंबाइन किया। तो इतना बड़ा बनाने की बजाय हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसका ये वाला जो सिंबल है नॉट का, इस सिंबल को इसके साथ लगा देते हैं एंड फॉर नॉर गेट वी गेट दिस। ये सिंबल हमारा बना नॉट गेट। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें नॉट गेट लगा है और ये वाला ये इंडिकेट करता है कि और गेट लगा है, सो दिस इज नॉट गेट। अब नॉट गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं। जो कॉम्बिनेशन गेट होता है उसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला
हर गेट तीन बेसिक गेट हैं, तो इस गेट का आउटपुट यहाँ पर कितना होगा उसको निकाल लेंगे, फिर यहाँ से ये वाला गेट कैसा आउटपुट देगा उसको निकालेंगे। अगर ये तीन चार लगे होते तो हम यही करते, हर गेट के बाद में आउटपुट क्या होगा जाता उस गेट के आर्गुमेंट से निकालते जाते और लास्ट वाला आर्गुमेंट लिख लेते। ओके, तो फिर से देखिए, अब यहाँ हम चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट को हम इस तरह से बनाएंगे कि हमने इनपुट दिया ए और बी, ये हमारे इनपुट हैं ए बी, 0011 0101, और यहां पर हमने आउटपुट लेना है, पर ये जो ए बी है इसका ये एक आउटपुट है y, इसको हम नाम देते हैं y डैश क्योंकि एक्चुअल y है, तो इसलिए इसका हमने नाम क्या दिया y डैश। तो यहां पर हमने एक बनाया इंटरमिटेंट y डैश, उसके बाद दूसरा गेट चालू हो गया, तो ये दूसरे गेट के लिए इनपुट का काम करेगा और ये दूसरे गेट का आउटपुट आएगा, तो ये क्या है, दिस इज आउटपुट फर्स्ट गेट, और इसी को ये किसका काम करेगा इनपुट फॉर सेकेंड गेट, इनपुट फॉर सेकेंड गेट आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट गेट। तो हमने ए और बी को कौन से गेट में लगाया है, तो आंसर है ए और बी को हमने पहले और गेट में लगाया, तो और गेट का रिजल्ट निकालिए और उसके तीनों देखिए, हमने और गेट के तीनों रिजल्ट क्या बनाए थे, 1110, ये सीरियल था उसका 0111, ओके, दैट वाज 0111, ये इसका आउटपुट हमको मिलता है और गेट्स, यू आर राइट 0111, ये हमको वाई डैश मिला, दिस इज आउटपुट ऑफ द फर्स्ट गेट, इसी को क्या ट्रीट करना है इनपुट फॉर द सेकंड गेट। अब इसको देखिए, ये सेकंड गेट नॉट गेट है, तो नॉट गेट क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है, उल्टा कर देगा इसलिए ये क्या हो जाएगा 100, तो ये हमको वाई मिला और ये वाई दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला, इसलिए ये वाई किसका है नॉर गेट का, नॉर गेट का वाई ऐसा, ठीक है, तो ये हो गया नॉर गेट। अब इससे भी आप वेव बना सकते हैं और रिजल्ट ला सकते हैं, ए और बी की दो देंगे तो जहां जहां पर जीरो आएगा, अब ये जो चीज है ये इंटरमिटेंट है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, हमारे लिए नॉर गेट ये इनपुट है और ये उसका फाइनल आउटपुट है, तो 0 0 से 1 मिलेगा और बाकी हर एक से 0 मिलेगा, ये नॉर गेट की स्पेशलिटी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट ये भी एक कॉम्बिनेशन गेट है और ये कॉम्बिनेशन किसका है, Not after AND, not after AND gate, अच्छा not after AND, तो पहले हम AND gate बनाएंगे, AND gate, और ये AND gate का आउटपुट इसको हम यूज करेंगे नॉट गेट के इनपुट के लिए, ये नॉट गेट बन गया, ये इसका आउटपुट, तो ये इसका ए और बी इनपुट है, ये इसका आउटपुट बना वाई डैश, इसी को हम इसके लिए इनपुट यूज करेंगे और इससे ये बनाएंगे नॉट गेट का आउटपुट। तो दोनों को मिलाकर जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम हमारा ऐसा बनता है, दिस इज नैंड गेट। अच्छा, नैंड गेट के लिए अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो ट्रुथ टेबल का वही मेथड है जो वहां हमने बनाया था, ए बी
ओके अब इसमें यहां पर y डैश, यहां से यहां एंड गेट है, एंड गेट का टेबल का आउटपुट का सीरियल क्या है, तो उसका आउटपुट का सीरियल है यहां वन आएगा, बाकी सब जीरो। ये एंड गेट का आउटपुट आ गया, अब ये एंड गेट का आउटपुट यहां पर आया, तो यहां से यहां ये आउटपुट रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वन 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 जीरो, दिस इज वन। तो ये है आउटपुट, ये इंटरमिटेंट है, इसको हमने छोड़ दिया, तो जीरो जीरो वन, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो, ये हमको एक और टेबल मिल गया, दिस इज नैंड गेट। तो इस तरह से पांच गेट बेसिकली होते हैं, तीन गेट बेसिक गेट, कौन कौन से, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट और नॉट, और ये वाले कॉम्बिनेशन गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। ये पांचों के टेबल आपको याद करने हैं, पांचों के आउटपुट याद करने हैं, और ये एक मेथड याद रखना है, ये इंटरमीडिएट वाला, क्योंकि ये आगे हमको और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये भी ये पांच तरह के होते हैं। अब इनके साथ एक्सरसाइज हमारी जुड़ी होती है, तो इसमें ये जो नैंड गेट है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। Why it is known as universal gate? Because it can be used to make any of the basic gates. Basic gates हमारे क्या हैं? Not gate, OR gate, AND gate. ये तीनों gate हम इस NAND gate से बना सकते हैं। जैसे क्या मतलब उसका? इसका ये मतलब है कि अगर हमने input दिया है, input अगर हमने दिया जीरो या वन और हमको आउटपुट मिलता है जीरो के सामने वन और वन के सामने जीरो, तो ये कौन सा गेट हुआ? जीरो का वन और वन का जीरो मिलता है, तो ये किस गेट का टेबल है? नॉट गेट का टेबल है, जीरो का वन कर देगा और वन का जीरो कर देगा, ये नॉट गेट है। अब हम नैंड गेट को यूज करके ये रिजल्ट लाना चाहते हैं। अगर NAND गेट को यूज करके हम ये रिजल्ट ले आए, तो हमारा NAND गेट किसका काम कर रहा है? NOT गेट। ये कैसे हो सकता है? तो अब हम वो एक्सरसाइज करेंगे कि NAND गेट को यूज करके NOT गेट कैसे बनाना, OR गेट कैसे बनाना और NAND गेट कैसे बनाना। NAND गेट, OR गेट और ये तीनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम तीनों इससे बना सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। ओके, हमने एक नैंड गेट लिया, ये नैंड गेट, और इसके ये जो दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके यहां से एक टर्मिनल बना दिया ए, और ये टर्मिनल बना दिया बी। ओके, अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसको देखिए ट्रुथ टेबल कैसे बनना है। इसका ए नाम है, इसका वाई नाम है, इसके हम नाम रखना चाहते हैं ए डैश एंड बी डैश। ए डैश बी डैश से लेके वाई तक कौन सा गेट है? नैंड गेट, और नैंड गेट का ये टेबल है। ओके, तो हमने यहां टेबल बनाया, इनपुट कितना हमारे पास? ए, इसलिए इनपुट में हम दो ही सिग्नल दे पाएंगे, कौन सा? या तो जीरो देंगे या वन देंगे, तो ये हमारा इनपुट हो गया। जब हम इसको जीरो देंगे तो ए डैश और बी डैश ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो जीरो, क्योंकि दोनों इससे करेक्ट है, जीरो जीरो। जब हम इसको वन देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? वन वन। ठीक, अब यहां आउटपुट चाहिए, ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड गेट में देखिए जीरो जीरो मिलने से क्या होता है? नैंड गेट में जीरो जीरो मिलने से वन वन, नैंड गेट में वन वन मिलने से क्या होता है? वन वन जीरो।
जब हम जीरो देते हैं तो वन मिला, और ये जब वन देते हैं तो जीरो मिला, ये रिजल्ट आ गया। इसलिए ये गेट इसका काम कर रहा है नॉट गेट का, इसका काम कर रहा है नॉट गेट का। तो हमने क्या किया है, नेट टू नॉट, ये हमने कन्वर्शन किया नेट इनटू नॉट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि नेट से नॉट कैसे बनाना है, इसको शॉर्ट करते हैं। देखिए ये वाला, ये एंड के ये दोनों को शॉर्ट कर दिया, अभी अभी हमने बनाया, ये नॉट गेट, नैंड गेट से बना हुआ। तो नैंड गेट में जब भी हम इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, नॉट गेट। ऐसा करके हमने ये दो टर्मिनल बनाए, ए और बी, फिर इसको यहां लाके जोड़ा और यहां से हम आउटपुट लेते हैं वन। अब हमको देखना है ए और बी के, चूंकि वो दो हैं इसलिए हम इन दोनों पर सिग्नल की वैरायटी कितनी दे सकते हैं। तो आंसर है इसमें हम दे सकते हैं ए को जीरो, इसको वन, सॉरी जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ये हमने क्या दिया इनपुट। जब हम इसको इनपुट देते हैं तो यहां पर कुछ आउटपुट आएगा इसका, इसका, ये दोनों टर्मिनल इस नैंड गेट के हैं तो इनका नाम हमने दिया ए डैश बी डैश। तो यहां पर हमने नोट किया ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश। तो यहां पर ए पर जब सिग्नल जीरो होता है तो नॉट गेट उसको क्या बनाता है, वन, और जब यह वन होता है तो ये क्या बनाता है, जीरो। इस प्रिंसिपल को याद रखे हमने यहां को पकड़ा, जब ये जीरो है तो ए डैश क्या बनेगा, वन, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, और वन है तो जीरो। बी को देखिए, बी जब जीरो है तो ये क्या बनेगा, वन, ये वन है तो क्या बनेगा, जीरो, ये जीरो है तो ये क्या बना, वन, और ये वन है तो ये क्या बना, जीरो, ये ए डैश बी डैश। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़िए यहां से, ये भी कौन सा है, नैंड गेट। तो नैंड गेट में हम देखते हैं ये नैंड गेट, वन वन का रिजल्ट क्या होता है, जीरो, वन जीरो, वन जीरो का वन वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन का वन वन, और जीरो जीरो, जीरो जीरो का वन, ये वन, जीरो वन वन वन, याद करिए ये किसका है, ये आउटपुट किसका है बेसिक गेट्स में से, और गेट का। तो ये आउटपुट किसका है, और गेट का। तो यहां पर जो हमको आउटपुट मिला वो किसका, और गेट। लेकिन हमने यूज क्या किए हैं, नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट। सो दिस इज कन्वर्शन फ्रॉम नैंड टू और गेट, ये वाला, ये सर्किट डायग्राम आप याद रखेंगे, ये किसको, नैंड गेट को यूज कर रहे हैं, रिजल्ट किसका मिल रहा है, और गेट का। ठीक है, इसको नोट कर। अगला कॉम्बिनेशन देखिए, उसमें हमने क्या किया, नैंड गेट एक लिया और उस नैंड गेट को, ये एक नैंड गेट, इसके सामने एक और नैंड गेट लिया, इसको ऐसा शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने से ये क्या बन जाता है, नॉट गेट। ये दोनों ओपन रखे तो ये क्या है, नैंड गेट। ये हमने टर्मिनल दिए ए बी इनपुट और वाई आउटपुट। ओके, अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी इनपुट देंगे,
ये वाई हमको आउटपुट मिलेगा। तो ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1 जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन। अब आउटपुट वाई कैसा मिलने वाला है? आउटपुट वाई वाई का नैंड गेट का टेबल, ये नैंड गेट है, नैंड गेट के टेबल के अनुसार हमने सीधा सीधा इसका लिख दिया रिजल्ट 1 1 1 0। अब यहां पर हमको 1 1 1 0 मिलता है और ये क्या बना हुआ है? नॉट गेट। नॉट गेट के कारण ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होके ये क्या बनेगा? 0 0 0 1। तो अगर ये 0 0 0 1 बना है वाई, ये क्या था? वाई डैश बीच का था, इसलिए इंटरमिटेंट वाई डैश, ये फाइनल वाई। तो वाई कितना मिला? 0 0 0 1। अब ये 0 0 0 1 बेसिकली किसका रिजल्ट है? का। तो ये कौन बनता है? नैंड गेट दोनों यूज किए और मिला क्या हमको? तो ये हमें क्या मिला? नैंड टू नैंड। तो तीन सर्किट आपने देखे, नैंड टू नॉट गेट। नैंड टू नॉट गेट के लिए हमने क्या किया था? इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। ये है नैंड टू नॉट गेट। ये कौन सा बना? नैंड टू ऑर गेट। ये कौन सा बना? नैंड टू नैंड। ये तीनों बेसिक गेट हमने किसके कॉम्बिनेशन से बनाए? नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से बनाए। ठीक है, तो इस तरह से हम नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि उससे हम कोई भी गेट बना सकते हैं। सो दिस इज अबाउट नैंड। अब इसके बाद इस गेट में, कोई भी गेट बनाने में, कंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में क्या रहेगा? तो उसमें डायोड रहेगा, ट्रांजिस्टर्स रहेंगे, यानी पीएन जंक्शंस रहेंगे, कैपेसिटर रहेंगे, रेसिस्टेंस रहेंगे, इस सबसे सर्किट बनता है। वैसे अगर इन सब कॉम्पोनेंट्स को हम आपस में जोड़े, तार लगाए, सोल्डर करें, तो ये जब इसको हम हैंडल करते हैं तो कोई ना कोई उसका सोल्डर टूट सकता है, कोई ना कोई कनेक्शन टूट सकता है, और इसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन से गर्म होके कोई जॉइंट खुल जाता है, किसी ना किसी चीज से खराब हो जाते हैं, तो इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। और साइज भी बड़ा हो जाता है, बल्क इसका ज्यादा हो जाता है, तो उसको छोटा करने के लिए हमने एक टेक्निक निकाली। और वो टेक्निक है कि एक सिंगल स्टोन लेके उसी में अलग अलग लेयर फॉर्म करके उसके अंदर ही हम कनेक्शन, बहुत से उसके अंदर हम कैपेसिटर बना दें, रेसिस्टेंस बना दें, पीएन जंक्शंस बना दें और उसे ट्रांजिस्टर बना दें, उसी में एक ही पत्थर पे अलग अलग डिजाइन करके। डिजाइन करके भी कहीं रेसिस्टेंस डालेंगे, कहीं उसमें कंडक्शन कर देंगे, ऐसा कर करके उसके अंदर हम कार्विंग करके, या जो भी हमारे दूसरे मेथड होते हैं, दोस मेथड्स वी आर नॉट स्टडिंग नाउ, बट ऐसा करके अगर एक स्टोन पे हम पूरा सर्किट ड्रॉ करते हैं तो उसके सिर्फ टर्मिनल रहेंगे, टर्मिनल से इधर से करंट जाएगी, उसके अंदर हमने ये गेट्स बनाए हुए हैं, गेट्स बनाए हुए हैं, एम्पलीफायर्स बनाए हुए हैं, वो उसमें जाकर इधर से वो रिजल्ट निकलेगा जैसा आपको चाहिए। एम्पलीफिकेशन चाहिए तो एम्पलीफिकेशन निकलेगा, गेट का लॉजिक होके सिग्नल निकलना है तो लॉजिक होके आउटपुट वेव वैसी निकलेगी जैसे हम चाहते हैं। तो ये जो एक सिग्नल स्टोन पर पूरा सर्किट अंदर बन जाता है, उसी में कंपोनेंट बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोलिथिक स्टोन पर बनाया गया सर्किट, और इसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज दैट? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये एक मोनोलिथिक स्टोन पर, एक स्टोन पर बनता है, तो इसके लिए एक स्टोन को नाम क्या बोलते हैं? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हम मोनोलिथिक शब्द को छोड़ दें तो हमने इसका क्या नाम अडॉप्ट किया? इंटीग्रेटेड सर्किट।
इस इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे टर्मिनल रहेंगे, कोई एम्पलीफायर का टर्मिनल, कोई गेट का टर्मिनल, कोई रेसिस्टेंस का टर्मिनल, इसलिए इसकी शेप जो होती है वो शेप इसकी ये एक ब्लॉक रहेगा और ये सिलिकॉन का है और सिलिकॉन के अंदर कहीं पर हम डोपिंग ज्यादा कर देते हैं, कहीं कम कर देते हैं, कहीं पी टाइप कर देते हैं, कहीं एन टाइप कर देते हैं, तो बीच में जंक्शन बन जाता है। इसी में से हम रेसिस्टेंस ज्यादा बना सकते हैं, रेसिस्टेंस कम कर सकते हैं, डोपिंग से रेसिस्टर क्रिएट कर सकते हैं, कैपेसिटर क्रिएट कर सकते हैं और हर एक भी टर्मिनल यहां पर निकाल देते हैं। इस तरह से ये ग्रास के या सिल्वर के टर्मिनल्स निकले रहते हैं और ये सिलिकॉन का ब्लॉक रहता है। दिस इज नोन एज आईसी। इंटीग्रेटेड मींस इट इज इंटीग्रेटेड ऑन ए सिंगल चिप, तो इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं और इसी को हम चिप कहते हैं। जो हमको मोबाइल में लगाने के लिए एक चिप मिलता है, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। अब उसके अंदर हम एलसी ऑसिलेशंस भी बना सकते हैं, उसके अंदर हम अपने एलसीआर सीरीज सर्किट भी बना सकते हैं, उसके अंदर गेट्स भी बना सकते हैं और ये सब उसमें बना रहता है हमारे चिप। सो दिस इज इंटीग्रेटेड सर्किट। एक चिप पर हम बहुत सारे सर्किट्स बना सकते हैं, जितने सर्किट बना सकते हैं उसके बेसिस पर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास अलग अलग टाइप के सर्किट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अगर थोड़े से सर्किट लेते हैं, जैसे 10 सर्किट, 5 सर्किट, 8 सर्किट, तो इसको कहेंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज SSI। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसमें सर्किट्स कितने होंगे, लेस देन 10, ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हुआ। और इसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें सर्किट्स के नंबर इससे ज्यादा रहेंगे एंड दीज सर्किट्स विल बी 1000 लॉजिक गेट्स, सॉरी मीडियम स्केल के लिए लेस देन 100 लॉजिक गेट्स, इसमें 100 रहेंगे, 100 के अंदर वाले मीडियम स्केल कहलाएंगे। इसके बाद होगा लार्ज स्केल, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, दैट इज LSI लार्ज स्केल। दिस विल बी द सर्किट्स विल बी अप टू 1000। और उसके बाद होगा वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल में 1000 के ऊपर वाले सारे वेरी लार्ज स्केल में चले जाएंगे, मोर देन 1000 सर्किट्स। और सर्किट ही क्या होता है, गेट, तो मोर देन 1000 सर्किट्स और गेट्स ये सब क्या कहलाते हैं, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो दिस इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया, मीडियम, लार्ज एंड वेरी लार्ज। इस तरह से इतने सर्किट्स का इंटीग्रेशन होके ये आईसी चिप बनता है, इसी के अनुसार इसकी कॉस्ट होती है और इतने ही काम को ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। तो ये चिप बनाना इट्स ए वेरी कॉस्टली अफेयर, प्योर सिलिकॉन, फिर उसके ये वो, इसी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इंटेल इनसाइड। व्हाट इज दिस इंटेल, चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जो ये सारे गेट्स मिला के कंप्यूटिंग का काम करता है, क्योंकि गेट ही इंटेलिजेंस रखते हैं और ये इंटेलिजेंस से कंप्यूटर काम करता है। सो इस तरह से इस चिप के कारण कंप्यूटर काम करता है और छोटे छोटे कंप्यूटर हमारे मोबाइल, तो मोबाइल के अंदर भी ये चिप्स होते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने भी होंगे सभी इस चिप से बनते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेटेड सर्किट।